एक बहुत ही लंबे इंतजार के बाद फाइनली आज से होने जा रहा है आईपीएल का आगाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और करते हैं आज के मैच के बारे में कुछ डिस्कशन। कौन सी टीम का पलड़ा कितना भारी है, कौन जीत सकता है, क्या है आपका ओपिनियन, क्या है मेरा ओपिनियन, तो सब कुछ एकदम डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इस बार आईपीएल 8 नहीं शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा। तो आज आईपीएल का पहला मैच खेला जाना है जिसमें 4 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस 3 बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फिरेगी। तो दोनों ही टीम आईपीएल के काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, दोनों ही टीमों के पास काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद है। एक की कप्तान जहां पर रोहित शर्मा है तो दूसरे की कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है जो कि इंडिया के सबसे सफल कप्तान रह चुके हैं। तो अब कौन सी टीम जीत सकती है, चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और आप लोग अपना ओपिनियन, कॉमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, जो लगता है कौन सी टीम जीतेगी सब कुछ दिल खोलकर लिख देना, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई की टीम में ऑलराउंडर ब्रेवो, चैंटनर और लेग स्पिनर इमरान ताहिर शामिल होंगे आज के मैच के लिए, वो अवेलेबल होंगे। तो तीनों खिलाड़ी CPL यानी कि कैरिबियन प्रीमियर लीग खेल के आए थे, तो उन लोगों ने अपना जो 6 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड है वो खत्म कर चुके हैं और वो पहले मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे, जो कि चेन्नई के लिए एक काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि वैसे भी उनका टीम का हरभजन सिंह अवेलेबल नहीं है, वो गए ही नहीं दुबई UAE खेलने के लिए, रैना भी घर वापस लौट चुके हैं। तो ऐसे में चेन्नई को परेशानी होती अगर ये तीनों खिलाड़ी भी अवेलेबल नहीं होते पहले मैच के लिए, और एक बहुत ही बड़ी बहुत ही स्ट्रांग टीम के साथ उनका पहला मैच है, तो इसीलिए ये तीनों खिलाड़ी अब अवेलेबल है। तो चेन्नई के लिए काफ़ी परेशानी का संकट है वो कम हो चुका है। लेकिन दोस्तों आज के मैच के लिए चेन्नई की टीम में हेजलवुड और श्याम करण अवेलेबल नहीं होंगे, तो वे दोनों काफ़ी देर से UAE पहुंचे हैं, तो इसीलिए उनका जो क्वारंटाइन पीरियड है वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए पहले मैच के लिए वे दोनों चेन्नई की टीम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। और जो दीपक चहर और ऋतुराज गायकवाड़ थे जो दोनों कोरोना वायरस के चपेट में आए थे, तो वे दोनों भी अब फिट हो चुके हैं, दोनों का जो नेगेटिव टेस्ट है वो नेगेटिव आ चुका है, तो वो दोनों भी चेन्नई की टीम में आज खेलेंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि आज के प्लेइंग 11 में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलेगा, तो दीपक चहर तो खेलने वाले है, शायद आज ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि चेन्नई के लिए ओपन करेंगे फाफ डुप्लेसिस और चेन वॉटसन मिडिल ऑर्डर में। अगर मुझे नहीं लगता कि ऋतुराज गायकवाड़ की आज जगह बनेगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग मुंबई की टीम की बात करें, तो मुंबई की टीम ऑन पेपर काफ़ी स्ट्रांग टीम दिख रही है हमको, तो उसके टीम में काफ़ी अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर रह चुके जसप्रीत बुमराह है उनके पास, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट है जो कि काफ़ी अच्छे रिदम में लग रहे थे प्रैक्टिस के दौरान, बुमराह भी काफ़ी अच्छे खासे ईयर कर डालते हैं, स्लोअर भी उनका काफ़ी अच्छा खासा है जिनसे वो बल्लेबाज को छकाते हैं, और इसके अलावा स्पिनर भी उनके पास काफ़ी अच्छे खासा है, राहुल चहर है, और बैटिंग के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ऑलराउंडर्स के अंदर भी मिल जाएगा, काफ़ी बड़े बड़े नाम मुंबई के टीम में मौजूद है, तो पोलार्ड है, उसके बाद हार्दिक पांड्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े नाम मुंबई के टीम में शामिल है। तो ऐसे में अगर हम लोग दिमाग से सोचे और देखे कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, तो हमको तो यही लगेगा कि मुंबई की टीम ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है आज के मैच के हिसाब से, तो मुंबई के टीम में क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर मौजूद है चेन्नई के मुकाबले, तो चेन्नई के टीम में काफ़ी जो जूनियर प्लेयर है बहुत ज़्यादा मौजूद है और चेन्नई मुंबई के टीम में सीनियर ज़्यादा मौजूद है। वैसे क्रिकेट में ये सब तो नहीं चलता कि नाम बड़े होगा तो दर्शन भी बड़ा होगा, क्रिकेट में ऐसा हमेशा चलता रहता है कि नाम बड़े दर्शन छूते और दर्शन छूते नाम बड़े, तो ये कहावत हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे में ये नहीं बोल सकते कि मुंबई की टीम जीतने ही वाली है, वैसे अगर हम लोग दिमाग से सोचे तो मुंबई स्ट्रांग दिख रही है आज के मैच के लिए, ठीक है। पास्ट रिकॉर्ड की अगर हम लोग बात करें मुंबई और चेन्नई के मुकाबलों की, तो पिछले 500 मैचों के अंदर मुंबई ने चेन्नई को मात दिया आईपीएल के मैचों में, ठीक है। तो पिछले 500 मैच से चेन्नई मुंबई से नहीं जीत पाया है, तो पास्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से भी मुंबई के पास आज एडवांटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर दिल की बात करें तो हम लोग चेन्नई को सपोर्ट करते हैं, तो चेन्नई जीतेगी हमको ऐसा लगता है दिल से। आपको क्या लगता है, आप कौन से टीम का फैन हो, कौन सी टीम जीतेगी कमेंट में, शायद तो कमेंट में आपने तो शायद अब तक लिख भी दिया होगा, नहीं लिखा है तो अब भी लिख दो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि चेन्नई आज की मैच जीतेगा, लेकिन दिमाग कहता है कि मुंबई जीतेगा, लेकिन दिल और दिमाग ये सब छोड़ो, चेन्नई आज का मैच जीतने वाला है, ये है मेरा प्रेडिक्शन। वैसे आपका प्रेडिक्शन आप कमेंट करो, और कल हम लोग मैच जब खत्म होगा एक और वीडियोस बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग इस मैच के बारे में बात करेंगे और आगे आने वाले मैच के बारे में भी।
तो कल हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों यही थे आज के मैच के बारे में डिस्कशन। सो मैच से पहले हम लोग डिस्कशन इसी प्रकार से किया करेंगे आगे भी आने वाले दिनों में अगले अलग अलग मैचों के बारे में। तो इस प्रकार के वीडियोस अगर आप लोग और भी देखना चाहते हो तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लो ताकि आपसे एक भी वीडियोस मिस ना हो पाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और वैसे आज कौन जीतने वाला है, नीला या फिर पीला, पीला या फिर नीला, नीला पीला, पीला नीला, नीला पीला, ठीक है चलो खत्म करते हैं।